बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चिकन फ्राई बनाएंगे और चिकन फ्राई के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें ये चिकन है, ये मैंने 1 किलो ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से ये कट लगा लिए हैं। ये देखें, इसको मैंने कट लगा लिए हैं। इस तरह से आपने भी इसको कट लगा लेने हैं और इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है और इसे धो के मैंने इसे इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ये दो चम्मच मैंने इसमें डाले हैं और साथ में ये मैं सिरका ये डालूंगी। 4 चम्मच के करीब आप इसमें सिरका डाल दें और इन सब चीज़ों को इसके ऊपर लगा देते हैं और इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इससे इसकी ये स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आधा घंटा हो गया है हमें इसे लगाए हुए कि चिकन को हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो लगाया था और सिरका लगाया था इसे आधा घंटा हो गया है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालती हैं। ये थोड़ा सा जर्दा रंग है ये मैं डालती हूँ और ये सुरख मिर्च है और ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है ये सुरख मिर्च है और 1 चम्मच नमक है और ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच और ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये है और 1 चम्मच के करीब और ये काली मिर्च है 1.5 चम्मच के करीब और ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, ये छोटी 1 चम्मच जो है टीस्पून है ये वाली, इन सबको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब हम इसमें ये 4 चम्मच के करीब जो है कॉर्नफ्लावर, सॉरी जी 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर हम इसमें डालेंगे और ये 2-3 चम्मच के करीब हमारा ये बेसन है और ये दही है, ये तकरीबन 4 चम्मच के करीब है। अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आधा चम्मच के करीब ये चाट मसाला भी इसमें ऐड कर देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके हम तकरीबन 4-5 घंटे के लिए रखें। अगर आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं तो सबसे बेहतर है, इससे इसके ये मसाला है वो अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाएगा। अब हम 4-5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा चिकन वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है और इसे हमने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 3-4 घंटे के लिए और ये अच्छे से हो गया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और अब मैं इसमें ये चिकन को डालती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये चिकन को कढ़ाई में डालना उस वक्त आप इसमें तेल में डालें जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, हल्के तेल में बिल्कुल नहीं आपने डालना। अब मैं एक एक करके ये पीस इसमें डालती हूँ। दो मिनट के लिए पहले आप इसे एक साइड से पकाएं और इसे फिर उसके बाद आप हिलाएं। फौरी तौर पे आपने इसे नहीं हलाना। हमारे रहें ये देखें हमारा ये हमें 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। अब ये हमारा एक साइड से पक गया है, इसे साइड उलटाते हैं। देखें एक साइड से हमारा ये गोल्डन हो गया है। अब ये दूसरी साइड इसकी उलटाते हैं। अब इसकी आँच जो है हम हल्की कर देते हैं। अब इसे हल्की आंच पर हम पकाते हैं। अब इसे उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये दूसरी साइड से भी अच्छे से ये गोल्डन ही हो जाता है। बिस्मिल्लाह हमारे रहें। ये देखें हमारा गोश्त जो अच्छे से हमारा ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं। बिस्मिल्लाह हमारे रहें। ये मैंने सारा चिकन जो है उसे फ्राई कर लिया है और ये बड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है और ये बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट में बनता है उस तरह बना है और ये हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। ये देखें और ये बिल्कुल गल गया है, अंदर से भी ये गल गया है अच्छे से और ये बड़ा जूसी बना है और बड़ा मज़े का बना है। इसे आप खुद बनाएँ और दूसरों को भी बनाना सिखाएँ और उम्मीद है कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।